कुराने पाक ने कितनी जबर इस्तेमाल की। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, मौसम की आदाब का जिक्र किस सूरत में? सूरतुल हुजरात में। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, अब ये वो क्वेश्चन, एक कौम के बारे में आता है, उसको हवा के जरिए हला दिया गया, हवा का आजाद भेज के कौम को हला दिया गया, कौन का नाम? सवाल तो सुन लो, आंसर आप पता है, सवाल ये है कि एक कौम जो पहली कौमें गुजरी हैं, उनमें से एक कौम का जिक्र आता है कुरान में, तो उसको हवा का भेज दिया जाने हला दिया, तो कौन सी कौम थी? नहीं पता, आप में से कोई बताए आसान क्वेश्चन? कौमे आद, कौमे आद। आगे नहीं नहीं तुम्हारी पारी, चार क्वेश्चन है ना, अभी चार हुए ना, आप पांचवा क्वेश्चन, कुरान में दो नबियों का जिक्र है, जैसा मूसा और हारून का, मूसा और हारून का जिक्र, इसी तरह दो और नबियों का भी जिक्र है, उनके नाम इब्राहिम और इब्राहिम ने यहाँ सबसे कुरान में जिक्र नहीं है इनका, क्या मेकाइल मेकाइल को रिश्ता इस्माइल को, आप पता हजरत इस्माइल और उनके भाई के हजरत इसहाक, सोच लीजिए दो क्वेश्चन गलत है। सूरत की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया, सूरत मुजादला, कुरान की ऐसी सूरत है उसको पढ़े तो वो कब्र के अज़ाब से बचाएगी, कौन सी सूरत है? सूरत मुल्क। कुरान जी की सूरत में सबसे ज्यादा अल्फाज सूरह बकरा में, वो तो सबसे बड़ी सूरत भाई है, ठीक है। कुरान में शैतान को शैतान के अलावा एक और नाम से भी जिक्र किया गया, वो नाम क्या है? एक तो शैतान है, उसके अलावा एक और नाम जिक्र किया गया, नहीं आता इसको, इब्लीस, इब्लीस के नाम से, सही। कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? चार हो गए, बाबा तीन में पुराने पाक की पहली हाफ़िज़ा कौन थी? हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाहु ताला। पांच क्वेश्चन पूरे हो गए जी, इनके क्या गलत है? एक और इसके एक बाप ये फाइनल के लिए हो गए, और नवीन ताज के 7 मार्क्स हैं, माइक उनको दे रहे हैं।
पुराने पाक के कौन कितने नाम है? पुराने पाक के कौन नाम है? कितने सूरतों के नाम जानवरों के नाम पर हैं? 36 सूरतों के नाम जानवरों के पुराने पाक की कितनी सूरतों के नाम जानवरों के नाम पर हैं? 5 कौन ने मदीना को किस नाम से जिक्र किया गया है? यसरब के नाम से। इस नबी की कौम पानी के अजाब से हलाक हुई। पानी के अजाब की वजह से हलाक हुई। नबी भाई यहाँ पे भाई करते नहीं इतना मशहूर है नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह के कितने नाम कुरान में जिक्र किए गए? निन्यानवे नाम। सही एक क्वेश्चन गलत है चार नाम ठीक है। आगे हरूफ मुकत्तआत की तादाद कितनी है? 14। सही जवाब। कुरान का जो उर्दू तर्जमा किसने किया था? शाह रफीउद्दीन। यौम अल फुरकान किस दिन को कहा गया है? गज़वाए बदर को। कुरान में एक नबी का जिक्र है उसको जिंदा आसमान पे उठा लिया गया था उसका नाम क्या था? नहीं ट्राई करने के लिए इतना आसान है। ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना में कितनी देर कुरान नाजिल हुआ? कितने साल का कुरान नाजिल हुआ मदीना में? 22 साल तो देर तक में कितने साल का है? नहीं आता 10 साल 23 साल का अर्थ है ना 13 साल मतलब 10 साल मतलब कितने क्वेश्चन सही थे? 6 नंबर। इनमें से माहम जो है वो फाइनल के लिए उन्होंने बात में किस पत्थर का जिक्र है? याकूत और जमुरद का। उन्होंने बात की 29 सूरतों की तादाद कितनी है? 86। सही। कुरान पाक में एक पैगंबर को उसकी माँ के नाम के साथ जिक्र किया गया पैगंबर का नाम? कुरान पाक में एक पैगंबर को उसकी माँ के नाम के साथ जिक्र किया गया बहुत लेकिन फोन पर गए सब्सक्राइब करना मुझे जी जी अगर 30 साल में मरियम सही जवाब किसकी एक बादशाह उसकी लाश के बारे में अल्लाह ने कहा कि हम इसको क्यामत तक महफूज रखेंगे लोगों की इबरत के लिए। बादशाह का नाम फिरौन। सही जवाब। उसने मुझे बताया कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 4 हो गए एक रह गया ठीक है। कुरान में बेहतरीन रात को लैलतुल कद्र को कहा गया बेहतरीन दिन किसको कहा गया? बेहतरीन दिन
जो मैं कर दे ठीक है। 5% पूरे हो गए आपके? कुरान की किस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहा गया है? सूरतुल अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब ठीक है। सुलह हुदैबिया का एक नाम लिया कुरान में, उसको एक खास लकब से कुरान ने याद किया, फतह मुबीन। फतह मुबीन सही। कुरान पाक में तकरीबन 22 वृक्षों का जिक्र है, कोई दो नाम आप बताओ या तीन नाम बताओ। अगर गलत हुआ तो करें नहीं करें। अंजीर का दरख्त, खजूर का दरख्त और तीन बताने। खजूर का, अंगूर का, ठीक है। कितने प्रश्न हो गए आपके भाई? तीन हो गए, दो हो गए, तीन हो गए। खातमुन नबीयीन वाला, सुलह हुदैबिया वाला, दरख्तों वाला, तीन प्रश्न। असहाबे काफ का तज़किरा किस सूरत में है? असहाबे सूरत कहफ के अंदर ही जिक्र है साहब का। आखिरी क्वेश्चन एक रह गया, एक नबी का जिक्र है, उन्होंने ख्वाब देखा कि उनको चांद सितारे और सूरज भी सजदा कर रहे हैं ख्वाब में, नबी का नाम। हाँ जी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बस समीर मानव ने तहरीर 10 मार्क्स, उस्मान फारूक 5 मार्क्स। आपकी ट्रैफिक थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, इसको होती है। रामदेव की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है? इस सूरत को उम्मुल कुरान कहते हैं, सूरत अल-फातिहा। ये हारूत और मारूत दो फरिश्तों का जिक्र है कुरान में, किस सूरत में है? सूरत अल-बकरा। सूरत कौन से नबी ख्वाबों की तबीर बताया करते थे? कुरान में एक नबी का जिक्र है, वो ख्वाबों की तबीर बताते थे। एक बादशाह को ख्वाब की तबीर भी बताई, नबी का नाम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद को कुरान में 55 नामों से जिक्र किया गया, उसका नाम कोई से 3 नाम बता दो कुरान के अलावा।
बचा नहीं रहा। अल किताब, अल फुरकान, अल शिफा, अल जिक्र, अल बलाग, अल बयान, अल मुबीन, ये सारे ठीक है। तलूंगा जुलूस का जिक्र किस सूरत में है? सूरह बकरा। जबरील अलैहिस्सलाम की दुआ क्या थी? कौन जी की सबसे छोटी आयत कौन सी है? सूरत नहीं, आयत की आखिरी आयत लंबी है, तो बच्चों को कुछ नहीं जानते। कुरान की सबसे छोटी आयत कौन सी है? नहीं, सूरह रहमान की आयत नंबर 64। अच्छा, कुरान में बाप बेटा नबियों का जिक्र है, जैसे इब्राहिम और इस्माइल, ऐसे ही एक और भी बाप बेटे का जिक्र है, उसका नाम क्या है? इब्राहिम बाप थे, इस्माइल बेटा था। इस तरह दो और नबियों का भी जिक्र है बाप बेटे का, दोनों का नाम बताओ। थोड़ा सा सोचो कि तो आगे बढ़े, आसान मुश्किल नहीं है। अभी मैंने बताया याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये भी बाप बेटे थे। कितने हो गए जी? गैर मुस्लिम बादशाह का जितना जिक्र हुआ है उनमें से कोई दो नाम बताओ। नमरूद, फिरौन। ठीक है, पांच पांच पूरे हो गए। जिन मुसलमान बादशाह का जिक्र हुआ उनमें से दो के नाम। दुल्कर्णैन और ठीक है।